ये गोली की बात की है नींद की इमरान खान साहब ने और ख़ुद वो पिछले 22 साल से इस कौम को गोली देते आ रहे हैं तो वो फ़िक्र ना करें शहबाज शरीफ साहब को किसी नींद की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि ये एक इमरान खान साहब पे एक और यू टर्न होगा जो कौमी असम्बली में वापस आने का ऐलान कर रहे हैं चूँकि वो माहिर माने जाते हैं सुबह कुछ कहते हैं दोपहर को कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं हैविंग सेड दैट अब आपने जो फरमाया असल सवाल जी, आपका जी। कि नवाज शरीफ साहब की वापसी उसमें ये अब दो फेजेस हैं बैरिस्टर साहब मोहतरम एक तो मरीम नवाज जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फ़रवरी के मैक्सिमम फर्स्ट वीक तक मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तशरीफ़ ले आएंगी और चूँकि नवाज शरीफ साहब ने उनके ज़िम्मे <coughs> पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने का टास्क दिया है जी। और ये काफ़ी अप टास्क भी है हेक्टिक भी है तो उन्हें इन वापस जल्द आना चाहिए और वो आ रही हैं और वो आकर मियां नवाज़ शरीफ साहब की रहनमाई में पार्टी की दीगर सीनियर क्यादत के साथ मुशावरत से वो पार्टी को ना सिर्फ उसको, उसको उसकी रिओर्गनाइजेशन भी करेंगी बल्कि वह पार्टी को उसकी कैम्पेन भी करेंगी पंजाब में और मैं समझता हूँ चूंकि उनको पार्टी के वर्कर सपोर्टर्स और जितने भी हमदर्द हैं पी एम एल एन के वो उनको कबूल कर चुके हैं मरीम नवाज शरीफ को चूँकि उन तमाम को मरीम नवाज शरीफ में नवाज़ शरीफ नज़र आते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा और जो नून लीग के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ रिसेंट माजी में जो आपने एक दो हवाले दिए हैं उसकी मैं समझता हूँ कि इन शाह तला तला तलाफ़ी मुमकिन हो जाएगी जी तो नवाज़ शरीफ के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल में आप कह रहे हैं तो मरियम के आने से फर्क पड़ेगा नहीं, तो नवाज के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं देखिये मियाँ साहब का मसला ये है कि मियाँ साहब की मतलब सो मैनी कोमोबिलिटीज हैं उनकी और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का फैसला है वो तो तीन फैक्टर्स हैं उसमें बैरिस्टर साहब एक तो है उनके डॉक्टर्स की कंसल्टेशन दूसरा पार्टी की जो क्यादत है पार्टी कब महसूस करती है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए हैविंग सेट देट लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी जो है वो बहुत दूर नहीं है और इन शाह तला मैं बड़े आपको अतमाद से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जल्द वो भी पाकिस्तान में मौजूद साहब ये फरमाएगा आपने कहा कि एक पार्टी की कंसल्टेसन और उनके डॉक्टर्स की राय आपने कहा कि बड़ी अहम है लेकिन ये डॉक्टर्स क्या तो मामला कुछ अब थोड़ा अजीब ही लगता है मतलब कि ठीक है जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं मैं 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 किसी हवाले से उस पर उंगली कोई नहीं उठा रहा लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ़ साहब यूरोप के ट्रिप पे भी गए हैं और वैसे भी बाहर माशाल्लाह ठीक है और फिर राना सनाउल्ला साहब की पहले स्टेटमेंट्स से आ चुकी जिसमें उन्होंने कहा कि जब एलेक्शन आएंगे तो तब मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी हो जाएगी तो यानी कि वो जो डॉक्टर्स वाला बयानिया था उसको कई दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग आवास ख़ुद रद्द कर चुकी है और दूसरा पार्टी की कंसल्टेशन तो पार्टी आ। की जो भी कंसल्टेशन है दूसरा सवाल सुन लें फिर फिर आप जवाब दे दें तो तो अगर पार्टी अभी नहीं तो फिर कब मिसाल पंजाब में एतमाद का वोट हो गया सिंध में सिर्फ छह सीटें बलदयाती इंत में वफाक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जा रहा है बाकी हालात तो साजगार हैं सगा भाई भी प्राइम मिनिस्टर है स्टेब्लिशमेंट के साथ मामला भी अभी ठीक है तो क्यों नहीं मिया नवाज शरीफ को पार्टी कहती कि आप वापस आए और कौन सा कंफर्ट जोन उन्हें प्रोवाइड किया जाए या कौन सा रेड कार्पेट बिछाया जाए कि जिसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे पाकिस्तान के अपने वर्कर्स को लीड करने के लिए नहीं बरिस्टर साहब मैं इसमें थोड़ा सा एज ए डॉक्टर एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं कि मियाँ साहब की जो अब तक की मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट हो रही है वो मेडिसन्स पे हो रही है मियाँ साहब को सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है लेकिन वहाँ अभी डॉक्टर ये तय नहीं कर पा रहे कि आया चुके मियाँ साहब एक हाई रिस्क पेशेंट है किस चीज की सर्जरी होनी है उनकी तो इनके उनके हार्ट का भी इशू है उनके और कैरोटिड का भी है तो इसलिए वो ज़रा थोड़ा सा इसमें डॉक्टर जॉन्स से हैं वो, वो वो पूरी तसल्ली करना चाहते हैं लेकिन मेडिकली उनको मैनेज किया जा रहा है लेकिन हाउएवर मैं समझता हूँ कि अगर वो जाहिर है उनकी मौजूदगी यहाँ अशद जरूरत है पार्टी को उनकी डायरेक्ट सुपरविजन और अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत है और उनके आने से आपको मालूम है कि वोट बैंक जो है वो तो नवाज शरीफ साहब का है तो लेकिन ये एक तो अवामिल हैं जो उनके अब तो ये भी वो जब आएंगे ग्रास रूट लेवल पे अभी तो वो पीटीआई कहते हैं कि हम बहुत मकबूल हैं इस वक्त तो आप वो दो था अक्सरियत की भी बात करते हैं दूसरा आप मियाँ साहब की वो सर्जरी के हवाले से जो आप बात कर रहे थे कुरानी साहब दरअसल होता ही है ना कि लोग कंपैरिजन करते हैं अब वो देखें पीटीआई आपको मानना पड़ेगा कि मीडिया पे उनका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉग है वो कहते हैं कि इमरान खान को गोलियां लगी और गोलियां लगने के बावजूद इमरान खान जमान पाक लाहौर में है और फिर तेईस दिन बाद वो पिंडी के जलसे में था और उसके बाद से दोबारा जमान पाक लाहौर में और वो कहते हैं मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा मेरे ऊपर केसेस बना दें पर्चे दे दें एफ़ दे दें दहशतगर्दी लगी तोहन अदालत लगी गोलियाँ तक लग गई कातलाना हम लोग गए इमरान खान ने छोड़ा वो कहता है मैं अपने लोगों में रहूँगा दूसरी तरफ लोग फिर कंपेयर करते हैं मियाँ नवाज शरीफ से जिसको आप इमरान खान को अल्टरनेटिव के तौर पर अपने लीडर के तौर पर पे पेश करते हैं वो सवा तीन साल पहले गए प्लेटलेट काउंट डाउन होने की वजह से आज तक वो जी डॉक्टर्स कहते हैं जी अभी नहीं अभी नहीं मुना तो लोग कहते हैं कि भाई वो दे फील कि उनका वो कनेक्शन नहीं है मियाँ नवाज शरीफ के साथ और इमरान खान गेन कर रहे हैं उसकी वजह से आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचा इस वजह से देखिए नुकसान जो हमें पहुंचा है ना वो तो पहुंचा है हमें जो हमने हुकूमत ली और इमरान खान साहब का जो एक मलबा था वो हम पर गिरा इमरान खान साहब कितने मकबूल थे ये आपको भी मालूम है मुझे भी लेकिन चूंकि उस वक़्त पाकिस्तान की एक बका का माशी सूरत हाल ऐसी थी कि उनका जाना ज़रूरी था आप मुझे बताइए कि क्या इमरान ख़ान साहब उन स्टेज से उन तकलीफ से उन मुश्किल से गुजरे हैं जिससे नवाज शरीफ गुजरा है पिछले सर, गोलियां लग गई अब अब तो अब तो अब एक तो में। सर मैं आता हूँ सर, गोलियाँ सर, लगा गोलियों पे भी मैं मैं आई डोंट वॉन्ट टू मैं कोई ऐसा कमेंट पर्सनल नहीं करना चाहता मेरी आदत भी नहीं तबीयत भी नहीं तरबियत भी नहीं लेकिन उस पर भी एक कई मुख्तलि राय पाई जाती हैं वो, वो आप लेकिन लेकिन जख्म तो, तो गहरे थे बात है किरवानी साहब ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एहतसाब के हवाले से आप कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयां बहुत सारी हुई हैं लेकिन इमरान के ऊपर भी तो बीस से ऊपर एफ आई आर हुई है दहशतगर्दी भी लग गई तो इन्हें अदालत भी लग गई क्या नहीं हुआ इमरान खान के साथ आप बताइए पिछले नौ महीने देखिए उन्होंने अदा उन्होंने अदालतों की तौहीन की तो उस पर तौहीन तो अदालत लगी उन्होंने तोशाखाना के तहائف बेचे उन पर उस वो जुर्म लगा उन्होंने फॉरेन फंडिंग में गड़बड़ की और उसका फैसला आया आप मुझे एक चीज बताइए इमरान खान के खिलाफ कौन सा केस ऐसा है जिससे इंतकाम की बुआरती हो एनविजा भी दहशतगर्दी का देखेंगर्दी फॉरन फंड लोगों का तो अभी तक वो फॉरन फंडिंग केस चल ही नहीं रहा उनके हवाले से फैसला भी सुना दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कहते हैं सिंगल हैंडेडली इमरान इमरान खान साहब का जो फॉरन फंडिंग केस था वो हमने तो शुरू नहीं किया था उनके फाउंडिंग मेंबर थे जो एस बाबर साहब अकबर साहब उन्होंने शुरू किया और ये पिछले आठ साल से उन्होंने शुरू किया हुआ था और जिस तरह इन्होंने बार बार स्टे लेकर बार बार उसके छुपते रहे तो बिल आखिर अगर हमारा जाहिर है उन्होंने शुरू किया है दूसरी जमातों का भी होना चाहिए और अगर हम समझते हैं कि हमने रेगुलरिटी की है तो कानून के मुताबिक